अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स फ्रेंड्स, अगर आपके पास नान पीट के आईफोन है और इसके अंदर आप लोग इजी पैसा एप्लीकेशन लॉगिन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लॉगिन करते टाइम आपके पास चाहे 20 सेकंड का टाइम आ रहा है, चाहे 10 सेकंड का टाइम आ रहा है या फिर ओटीपी एक्सपायर लिखा आ रहा है, आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे जिनको फॉलो करने के बाद आप भी बहुत आसानी के साथ लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक दो मरतबा नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा यहाँ पर ट्राई किया, डिफरेंट अकाउंट्स को लॉगिन किया, लॉग आउट किया और यहाँ पर हर चीज़ चेक की और फाइनली मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप लोग नान पीटी के अंदर कैसे लॉगिन कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर लॉगिन करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नान पीटी आईफोन में लॉगिन करने के लिए हम लोग यहाँ पर साथ में एंड्रॉयड फ़ोन का भी इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम ओटीपी को रिसीव करेंगे। तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप लोगों ने अपने इजी पैसा अकाउंट वाली सिम को इंसर्ट कर लेना है। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन हर किसी के पास अवेलेबल होता है और हम लोग इसकी मदद से ओटीपी को रिसीव करेंगे। तो जैसे ही आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सिम को इंसर्ट कर लेंगे इजी पैसा अकाउंट वाली, उसके बाद वहाँ पर आपने कुछ सेटिंग वगैरह कर लेनी है। जैसे कि पहले नंबर के ऊपर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आप लोगों ने चेक करना है, इस तरह कॉपी का ऑप्शन आता है ओटीपी का डायरेक्टली स्क्रीन से। अगर नहीं आता तो आप लोगों ने उसके अंदर गूगल मैसेजेस जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लेनी है और उसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप सेलेक्ट कर देना ताकि आप लोग स्क्रीन से ही कॉपी कर पाएँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग मैसेज ओपन करके कॉपी कर सकें। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग को ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा तो उस फ़ोन का यूज़ कर लें जिसके अंदर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो, आप लोग टॉप से ही कॉपी कर सकें ओटीपी को। और उसके बाद आप लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है और इसी तरह आईफोन के ऊपर भी व्हाट्सअप को ओपन कर लेंगे और व्हाट्सएप के दोनों फोन्स की तरफ से लॉक वगैरह खत्म कर देंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर व्हाट्सअप दोनों साइड ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आईफोन के ऊपर यहाँ पर इजी पैसा एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना है। तो ये आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं हमारे पास अभी टाइम 20 सेकंड का आ रहा है। तो अगर आप लोग के पास 10 सेकंड का भी टाइम आ रहा है तो आपने परेशानी नहीं होना, हम लोग बाद में आप लोग को वो भी बता देते हैं 10 सेकंड वाले कैसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर जिनके पास 20 सेकंड का टाइम आ रहा है तो जैसे ही वो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आईफोन वाला यूज़र वापस व्हाट्सअप को ओपन कर लेगा और एंड्रॉयड फ़ोन जिसके पास है वो यहाँ पर वेट करेगा ओटीपी रिसीव होने का। तो यहाँ पर देखें जैसे ही ओटीपी रिसीव होगा वो सिंपली यहाँ पर कॉपी करेगा टॉप से और उसी टाइम यहाँ पर व्हाट्सअप के ऊपर पेस्ट करके सेंड कर देगा। तो ये प्रोसेस ये जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन वाला कर लेगा, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो ये प्रोसेस जैसे ही एंड्रॉयड वाला करेगा कॉपी करके पेस्ट करके सेंड करने वाला जल्दी से जल्दी, तो आईफोन वाला भी सेम ही प्रोसेस करेगा कॉपी करने के अंदर। तो आईफोन वाला जो यूज़र है वो व्हाट्सअप से इस तरह जल्दी से ओटीपी कॉपी कर लेगा और उसको वापस आकर पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पेस्ट कर दिया, 9 सेकंड 8 सेकंड थे जब हमने पेस्ट किया, लेकिन ये यहाँ पर ओटीपी एक्सपायर आ रहा है। तो आप लोगों ने परेशान होना, 4 से 5 सेकंड वेट करना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने डन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें ये लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ओटीपी एक्सपायर आ रहा तो लॉगिन कैसे हो गया, आप लोगों का ये जो टाइम चल रहा होता है इस टाइम से पहले आप लोगों ने ओटीपी को पेस्ट करना जरूरी होता है, डन करना जरूरी नहीं होता, बस जस्ट पेस्ट होना चाहिए ओटीपी टाइम एक्सपायर होने से पहले। तो यहाँ पर जैसे आप लोग लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, डेट ऑफ बर्थ सही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर ये अकाउंट पहले किसी डिवाइस के ऊपर लॉगिन होगा तो फिर यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप लोग का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पर जिनके पास 10 सेकंड का टाइम आता है वो कैसे लॉगिन कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने वेरीफाई किया यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम चल रहा है तो वापस आ जाए, यहाँ पर जो एंड्रॉयड यूजर होगा वो जल्दी से वही प्रोसेस करेगा कॉपी करके ओटीपी को सेंड कर देगा और यहाँ पर जो आईफोन वाला है वो यहाँ पर जैसे ही ओटीपी रिसीव होगा उसको यहाँ से फौरन कॉपी कर लेगा और वापस इजी पैसा एप्लीकेशन में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करें, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी एक्सपायर आ रहा है। एक चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके स्लोमो में चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर लास्ट वाला सेकंड जा रहा है और उसी के दौरान हमने पेस्ट कर दिया है। तो ये बात आप लोगों ने देख लेनी है, रियल टाइम स्कैनिंग होती है ओटीपी की, तो टाइम एक्सपायर होने से पहले पेस्ट कर देंगे तो आप लोग का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लास्ट वाले 1 सेकंड के अंदर हमने ओटीपी को पेस्ट किया था और अब टाइम एक्सपायर लिखा आ रहा है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जस्ट 4 से 5 सेकंड वेट करना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप लोग का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, डेट ऑफ बर्थ का वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पिन कोड डालेंगे तो आप लोग का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग नान पीटी आईफोन के अंदर इजी पैसा एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।